चिकन का कीमा 3 pounds 1.5 kg, 2 मीडियम साइज की ऑनियंस लेके को फिर ग्राइंड कर लिया और ग्राइंड करने के बाद इसको मसलिन क्लॉथ या किसी स्ट्रेनर में रख के इसका पानी ड्रेन कर दिया है। तो ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, ये देखें इसमें बिल्कुल वाटर नहीं है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 cup हरा धनिया बारीक कटा हुआ, मैंने इस तरह की छोटी मिर्चें ली हैं 12 से 15 अदद और उनको बहुत अच्छी तरह फाइनली चॉप्ड कर लिया है। 1 टेबल स्पून भुना कुटा साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून भुना कुटा सफेद जीरा, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टी स्पून गरम मसाला, 1/2 टी स्पून काला नमक, 1 टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टी स्पून नमक। नमक आप अपने हस्ब जरूरत यूज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास मसाले हैं जिनको कि हम पीस लेंगे, उसमें 1/2 टी स्पून काला जीरा या शाह जीरा, 1 टी स्पून साबुत काली मिर्च, 8 से 10 छोटी लाल मिर्चें, 1/2 टी स्पून कबाब चीनी, इसको पीपली या फिलफिल दराज कहा जाता है, 8 से 10 ये ले लेंगे हम, और इन सारे मसालों को अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे। तो इससे बहुत अच्छा सीख कबाब का मसाला तैयार हो जाएगा। तो इस तरह मसाले पीस लें। अब कीमे को मैरिनेट करेंगे। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, भुना कुटा धनिया साबुत धनिया, ये जो हमने मसाले पीसे थे ये भी डाल देंगे, भुना कुटा जीरा, चाट मसाला, ये सारे मसाले भी इसमें जाएंगे, गरम मसाला, काला नमक, लाल मिर्चें और नमक, पिसी हुई प्याज जिसका कि हमने पानी ड्रेन कर दिया है, कुटी हुई हरी मिर्चें, कटा हुआ हरा धनिया। बस अब इन सारी चीजों को हमें मिक्स करना है, खूब अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। ये हमारा चिकन सीख कबाब का कीमा मैरिनेट हो चुका है, इसको कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए। 2 hours हो चुके हैं और ये हमारा मीट अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है, तो अब तो हम खोल लेते हैं। और आपको सीख कबाब बनाने से पहले पानी चाहिए होगा, क्योंकि हम पानी लगाते जाएंगे हाथ में और सीख कबाब बनाते जाएंगे। और आपको चाहिए होंगी सीखें, मेरे पास दोनों तरह की हैं, जिस तरह की भी आपके पास हो वो यूज कर सकते हैं, लेकिन यूजली सीख कबाब के लिए ये वाली स्क्वेयर्स यूज की जाती हैं। तो ये सीखें ले लें आप, फिर इसमें थोड़ा सा पानी लगाएं हाथ में, अपना हाथ वेट कर लें, इसके बाद मीट लेके जितने बड़े और जितने छोटे आपको सीख कबाब बनाने हैं वो बना लें। इस तरह इसमें रोके अब इसको हम आहिस्ता सब फैलाते जाएंगे, पानी लगाएंगे, तो ये लग चुके हैं। और अब हम इसमें एक काम करेंगे जो बहुत खूबसूरत लगता है, उस पर हम मार्क देंगे अपनी उंगलियों से, दोनों ये दोनों उंगलियां, इस तरह मार्क के लिए, इसी तरह हम बाकी के भी सीखों पे लगा लेंगे। अब हमने सीखों पे कबाब लगा लिए हैं, तो अब हम बारबेक्यू करेंगे। हम यहाँ कोयलों की बारबेक्यू यूज कर रहे हैं, कोयले बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। इस तरह सीखे रखते हैं, सीख कबाब बनाने में ज्यादा देर नहीं लगती, 10 से 15 मिनट में आपके सीख कबाब तैयार हो जाएंगे। इनको आहिस्ता आहिस्ता घुमाते रहें ताकि इवनली सब तरफ से अच्छी तरह कुक हो जाए, और इस पर घी या फिर तेल ब्रश की मदद से लगा दें, तो ये बहुत अच्छे तैयार होंगे। ये हमारे मजेदार चिकन सीख